पहिलेच नाही, डायरेक्ट लाईव्ह सुरू झालेत. ठीक आहे, चल. आज हम नींब के बारे में पढ़ा था ना, कर्म निकालेंगे. तर जो फरसो केस आहे ते बाहेर पण तरी आहे दरवाजा. हे चपला लावलं ना रांगेमध्ये, हां लाईन घेतली बरं. हां जो फरसो केस आहे ते तो आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो पुणे में लड़कियां है शादी नहीं हुई है, 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और वजनल इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं. तो बड़े बड़े जो कॉलेजेस है उनमें एक्टिवली सेक्सुअल रहना, सेक्सुअली एक्टिव रहना ये फैड हो चुका है. ये छोटी लड़कियों में, छोटे लड़कों में ये मोबाइल की वजह से या हम कहेंगे फास्ट संस्कृति की वजह से. तो हमारे पास ये जो केसेस आते हैं तो इनको मेडिकली के लिए हम क्लियर होना चाहिए. एक तो क्या है, अगर माँ बाप साथ में नहीं आते हैं, रूल क्या है, माँ बाप अगर साथ में नहीं आते और प्रेगनेंसी है, जैसे मैं क्लिनिक 2015 में शुरू किया था तो 15 में ही केस आई थी, 14 में, और वो एबॉर्शन के लिए आई थी और वो 17 साल की थी लड़की. तो उसके माता पिता को फ़ोन करना और डॉक्टर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है. अगर नहीं किया तो वो निग्लिजेंस में जाता है. 18 साल कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, उसका कोई हमें प्रॉब्लम नहीं रहता है. तो ये कुछ रूल्स रहते हैं, मेडिकल लीगल वाले रूल रहते हैं, वो रूल हमें पता होने चाहिए. पंचकर्म के बारे में भी कुछ रूल्स रहते हैं हमारे कि कंसेंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसेंट लेना है इम्पोर्टेंट है. कंसेंट भी पेशेंट के हैंड राइटिंग में होना चाहिए, पेशेंट के साथ कोई होना चाहिए. कंसेंट का फॉर्म भी जो है हमारा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, हमारा पेशेंट से हैंड राइटिंग से होना चाहिए. वो कुछ ऐसे लॉज हैं वो हमें पता होने चाहिए क्योंकि किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. पेशेंट को मेडिसिन देते वक्त उसका केस पेपर प्रॉपर होना चाहिए या ओपीडी पेपर जो है हमारा वो प्रॉपर होना चाहिए, आईपीडी पेपर प्रॉपर होना चाहिए. ये कुछ मेडिको लीगल बातें हैं इसमें आते हैं. ये जो बच्चों के सेक्सुअल एक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. हमें तो पता है कि विलिंगली और अनविलिंगली भी अगर कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है लड़कियों का 18 साल के पहले और लड़कों का भी 18 साल के पहले, वो 376 में आ जाता है, आईपीसी सेक्शन 376 में आता है, उसमें तो अनबेलेबल है. तो उसमें हेल्प करने वाले को भी या अननोइंगली अगर आपने सर्टिफिकेट भी दिया कुछ तो ये गलत बात रहती. जैसे मैंने बताया ना कि वो एक डॉक्टर का था कि उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, डेली रूटीन का पेशेंट था और वो पेशेंट सर्टिफिकेट देने के बाद में पता चला फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, अनफिट फॉर वर्क बोल के ऐसा सर्टिफिकेट दिया था और पेशेंट तो मर चुका था 15 दिन पहले. उसने अनफिट है और ये बैंक में दिखा के पैसे निकाले थे. तो जब केस हुई तो वो बाद में पछताना पड़ा है, अभी भी वो केस चल रही है. ऐसे कुछ मेडिको लीगल बातें रहती है, वो बातें हमें पता होनी चाहिए. अगर बातें पता है तो ही इजी है, नहीं तो क्या होता है ये फ़ायदा लिया जाता है. जैसे कि उस दिन रात में वो पैसे मांग रहा था ना आदमी,
हमें पता नहीं किसके देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, बताते समय तो हमें लगता है इजी है, तो हमारे अकाउंट से भी नहीं ट्रांसफ़र करना। दूसरी बात है कि अगर हम किसी के पैसे ले रहे हैं तो उसका हर एक का नोटिंग होना, हमारा अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग होना, नहीं तो क्या बाद में जाके पिछले वाले अकाउंट का भी हमें हिसाब देना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं प्रैक्टिशनर को ध्यान में रखनी होती है। और हम क्या कहते हैं कि एक्यूरेसी, जैसे कल भी मैंने यहाँ पे बोला था नानापेट में, वो पूसवन जो है इलीगल है, हम नहीं करते, सिंपल है, यही देना है, नहीं तो हम करते ऐसा बोलना ही नहीं, करते ही नहीं तो नहीं देना है, सिंपल है। उसके बारे में भी एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत है जो एक्ट में आता है PCPNDT, वो भी नहीं करना है, कोई गाइडेंस भी नहीं। कोई अगर पूछता है कि अरे यार लड़का होने के लिए ऐसे ऐसे गूगल पे दिया है, वो हम करें क्या, मतलब मैं इतना है, मुझे पता नहीं है, आप करके देखो, नहीं देखो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये गलत है, लड़की हुई तो हमें दे दो, सिंपल है। तो ये कुछ एक्ट रहते हैं हमारे प्रैक्टिस में, वैसे ही सेक्सुअल एक्ट जो रहता है बच्चों का, वो आजकल इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला रहता है। तो जो आई थी वो वजाइनल इन्फेक्शन के लिए आई थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, देखिएगा वो हमारे पहले आने के पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद उन्होंने एग्जामिनेशन किया था, उनको कैंडिडियासिस पता था, उन्होंने कैंडिडिया का इन्फेक्शन का मेडिसिन भी दिया था। तो कैंडिड इन्फेक्शन का मेडिसिन देने के बाद उनको पता नहीं क्या ये होता है, तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं की थी गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो मैं अंदर था, तो मैंने उसको काउंसलिंग की कि दिस इज़ नॉट गुड, वो प्रॉपर काउंसलिंग है जो मैंने उससे बात की, और उसके पेरेंट को भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसका ये है राइट है, पेरेंट को पता नहीं है ऐसा नहीं, सबको पता है, उसके मदर को भी पता है, लेकिन वो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, प्रॉपर काउंसलिंग कि वो आगे ऐसा ना करे। तो हमने वो काउंसलिंग की और हमने मेडिसिन दी उसको। ये इनफर्टिलिटी के बारे में भी हमें बहुत आता है कि सौ मनस से जो रहता है ना, मन की इच्छा होना और मन की इच्छा ना होना, ये भी बहुत माइंड करता है हमें। जैसे वो क्या कह रही थी कि इच्छा होती है बहुत ज़्यादा, 17 साल की लड़की है, और वो वीकली ट्वाइस, हाँ मैं तो ट्राई से वीक नहीं, हाँ 3 वीक में एक बार एक्टिव है सेक्सुअली, ऐसा कह रही थी वो। तो अभी हमें पता नहीं पार्टनर सिंगल है अलग अलग है, तो वो बोल रही थी ना हम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल वगैरह करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमें एज ए डॉक्टर एक्यूरेटली बतानी होती है, जब समाज में से ऐसा कोई आता है तो वो प्रैक्टिकली बतानी होती है। कंडोम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन नहीं होगा, हाइजीनिक है, ऐसा थोड़ी इस्तेमाल है रहता है। तो ये बच्चों को पता नहीं होता है, क्या इंटरनेट में पढ़ते हैं, इंटरनेट में जाओगे तो क्या देता है कि पीरियड में सेक्स करने के 6 फायदे, फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3, फायदा नंबर 4, आपकी बॉडी को स्ट्रेस कम होता है, ये चूकी से गलत है, ऐसा नहीं रहता है। तो ये इंटरनेट के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, गलत ही गलत है। अभी तो आता है, कई सालों से एड्स आते हैं कि पीरियड में घूमने के फायदे, पीरियड में नो फॉर दोज डेज, बैडमिंटन खेलता ना खेलते समय लड़की बताती है पीरियड के समय भी पैड इस्तेमाल करके बैडमिंटन खेलो, गलत है, क्योंकि वहाँ पे क्षत है, क्षत में आघात नहीं चाहिए, वात प्रकोप होगा, PCOD जैसे लक्षण बढ़ेंगे। जब से सैनिटरी आया है, नैपकिन्स आए हैं, तभी से PCOD ज़्यादा बढ़ा है। इवन पुराने लोग इतने कहते थे कि जैसे कि PCOD की एक केस में बताता हूँ, हमारे सर के पास एक केस आई थी और वो बैठने के बाद ऐसा ऐसा करके वो व्यक्ति बैठा और उसने कहा कि सर मुझे दाढ़ी है, सर बोले अच्छी है, वो बोला मैं लड़की हूँ, सर बोले तो लड़की जैसे रहना, फिर आया था ऐसे बैठ के कराटे आसा बसता ना सर पूरा दशे बस एरोगेंटली बैठते ना, वो ऐसे बैठी थी, तो सर बोले लड़की जैसे बैठना तू, हाँ मगती आशी असली सावरण मछली, वो लड़की जैसे ड्रेस पहन, उसमें क्या सर सारे तो पहनते, भाई तू आई है मेरे पास तो मेरा तुझे सुनना पड़ेगा,
क्योंकि उसके माता को इन्फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट गुप्ते सर ने की थी और उसके दादा को दादाजी को भी गुप्ते सर ने दवाई दी थी। तो ऐसी थर्ड जनरेशन वाली पेशेंट थी। पेशेंट आई, बैठी, बैठने के बाद बोली, सर मुझे दाढ़ी है, मेरे से भी ज़्यादा दाढ़ी थी, मैं तो छोटी रखा था तब, और मेरे से भी ज़्यादा थी सर। उसने कहा कि मैं लड़का हूँ। सर बोले, लड़की दाढ़ी है तो रहे, नहीं तो निकाल ले। नहीं, मुझे दाढ़ी नहीं चाहिए। तो लड़की जैसे रहे ना। तो एक साल भर उसको लड़की जैसे रहने के लिए बताया था मैंने, एक साल उसका फॉलोअप लिया था। तो कैसे सोते समय भी लड़की जैसे सोना है, गाड़ी पे बैठ रहे हो तो भी लड़की जैसे बैठना है, आप किसी से बात कर रहे हो, टिकली लगाए नहीं थी, वो जो हार्मोन्स है वो लाने के लिए सर ने उसको लड़की जैसा बिहेवियर करने को कहा था। उसके पूरे ड्रेस बदल दिए थे, सारा बदल दिया था, और एक साल में उसकी दाढ़ी गायब हुई थी। बाकी विद्याकर्मा तो था ही साथ में। तो इमोशंस का इतना फर्क पड़ता है। अगर ये अगर हमें सोसाइटी में नहीं बताएंगे तो यही आगे जा के इनफर्टिलिटी वाले केसेस बनने वाले हैं। जैसे एलोपैथी में क्या होता है, मॉडर्न में सिंपल हार्मोनल खेल रहते हैं सारे, हार्मोनली बताया जाता है कि ये हार्मोन ले लो, ये कम है ये ले लो, वो कम है वो ले लो। ऐसे ही केसेस आते हैं ना इनफर्टिलिटी के भी जब भी आ रहे हैं हमारे पास। तो इमोशन नाम का कुछ लेना देना नहीं होता। माइन्यूट एग्जामिनेशन बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोपी बढ़ती है, और उसमें से बताया जाता है कि दिस इज़ ए ड्रा, यूट्रस में ये ड्रा है, आपका रिजिड ऑस्टियम है, और उसका जो आपका सर्विक्स है वो ईची है, सर्विस में इन्फ्लामेशन है, सारा बताया जाता है। और हम भी आजकल की जिस संस्कृति है वो दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो, ऐसा जो संस्कृति उनमें भी पकड़ा जाता है कि यही सही है। और उससे क्या होता है कि हम आयुर्वेदिक जो प्रिंसिपल है भूल जाते हैं, सद्वर्तन भूल जाते हैं। तो ये हमें हर पेशेंट को बताना होता है। जब जिसको तकलीफ होती है ना वो सब लोग फॉलो करते हैं हमारा, तो हमें वो बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा आपको नहीं चाहिए। तो जब भी हम चिकित्सा करने को बैठते हैं, जैसे PCOD आएगा, इन्फर्टिलिटी आएगा, या शादी के पहले की लड़कियाँ आएंगी, ये सारे इसमें हमें 10 साल आगे का जो चल रहा है वो बताना होता है। उसके बगैर काम ही होगा नहीं। हम विद्याकर्म करेंगे, ठीक है, हमारे पास पेशेंट कैसे आ रहे हैं, सर विद्या करो, पीरियड आते हैं हमें पता है, विद्या करो और जाओ, आ तो रहे हैं पीरियड, उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन करना वो भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या ये क्लियर नहीं होता है। तो ये बड़े बड़े जो कॉलेज है, जो फेमस कॉलेजेस है, हाँ लगता है कि हम भी एडमिशन ले ऐसे कॉलेजेस, जैसे MIT के कॉलेज है, उनमें इतना फ्रीनेस रहता है, शेयरिंग रहता है, तो रूममेट कौन पूर्गी, आपल्याला इथं गलीमेट नव्हती पूर्गी म्हणजे असं आहे, हम मेरा रूममेट आहे सर, ते TV बघून या सगळ्या गोष्टी बहुत ज़्यादा गलत बातें होती है। तो सिंपल बातें हैं कि हमें काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारा क्या रहता है, कनेक्शन अगले लाइफ में, अगले प्रॉब्लम में रहता है। तो पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है, ये सर क्या कहते थे पता है क्या, जीन्स अगर पहन रहे हैं लड़कियां जो जीन्स पहनती है, अगर पीरियड में लड़कियों को जीन्स पहनना या पैड पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ तो भी प्रोटेक्टिव पार्ट ऐसा लगता है, लेकिन कहा जाता है अगर टाइट जीन्स पहनोगे तो वायु का गमन अच्छी तरह से नहीं होगा, ब्लीडिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही कम से कम 1-2 साल 3 साल करोगे, आगे जाके कंसीव के लिए प्रॉब्लम होगा। हर एक लड़कियों के अलग अलग स्वभाव रहते हैं, किसी लड़कियों को पीरियड में लूज पहनना पसंद रहता है, किसी को एकदम टाइट पहनना पसंद रहता है, किसी को बात करना अच्छा नहीं लगता है, किसी को कूदना बाहर घूमना मजबूरी रहती है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर हम समझाएंगे उसमें ही एडजस्टमेंट करेंगे तो इजी होता है, नहीं तो कुछ कुछ क्या होता है कि मॉडर्न है तो मला समझत नहीं का, स्त्री संस्कृति कितनी वाढ़ी है, स्त्री का कितना आगे बढ़ा है और वुमन एम्पावरमेंट हो गया है, ऐसा वैसा वैसा, PCOD भी साथ में होगा और दाढ़ी भी आ जाएगी सब। तो लिमिटेशंस है, यूट्रस की लिमिटेशंस है, वो कम से कम समझनी चाहिए। और सबसे गलत बात है वो पीरियड के कप्स जो रहते हैं अंदर डालने के, दैट इज़ वेरी बैड, वो अवरोध उत्पन्न करते हैं, गति विरोधी है, गलत है, गलत है, सिंपल है, जिसको करना है करे, लेकिन गलत गलत है। अगर किसी को आदत है तो ये PCOD का कारण है, समझ के लो। इमोशनल जैसे है, बाद में
ड्रेसिंग भी आता है उसमें, और शरीर का आपने 5 साल 10 साल किया हुआ वर्तन भी आता है उसमें। तो ये पीसीओडी जब भी हम देखते हैं तो ये डिसीज़ नहीं है, बैक्टीरियल वायरल ऐसा कुछ नहीं है, वो है हैबिचुअल है या हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जाता है, तो लाइफस्टाइल ही करेक्ट करनी पड़ेगी। और लाइफस्टाईल जाता ठेवायचं क्लिनिकला, बसून तिथं अर्धा तास तिथं पंचकर्म केलं असतं तर तिथं जाता करून जायचं, सिंपल आहे। फक्त जाताला वेगळा काहीतरी आकार द्यायचा, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टंट है। अभी योगा है, झुंबा है, हमारी एक पेशंट है, वो पेशंट योगा सिखाती है, मतलब किती फिट पाहिजे, योगा सिखाने वाली है। सुबह 5 बजे उठती है, 9 बजे तक बैचेस लगती है, हेवी भी नहीं है, डेली योगा सिखाती है, और कम से कम 12 साल हो गए। तो उसने तो निरोगी होना चाहिए ना, उसके तो रोग छूना ही नहीं चाहिए कुछ भी, और उसको पीरियड ही नहीं आते, पहले आते थे जब से योगा शुरू किया है, बैचेस लेना शुरू किए, पीरियड्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पीरियड में भी योगा सिखा रही है, उसको खुद को पीरियड आते तभी भी योगा सिखाती है। सबको बोलती है ना ना पीरियड में भी चलता है, अगर ऐसा बोलेंगे पीरियड में नहीं करना है तो क्या होगा, वो धंधा बंद हो जाएगा। तो ये कुछ बातें रहती है, ये हम क्या फाइनेंशियली या ये एक्यूरेट करने के लिए लोग आत्मसात करते हैं, लेकिन ये जब तक समझाएंगे, मैंने उसको तभी समझाया था 10 साल पहले, 2015 में समझाया था, जब तक तू पीरियड में एक्सरसाइज नहीं बंद करेगी तब तक तुझे नहीं होगा। और कल वो उसकी शादी हो गई, अभी 4 साल हो गए शादी के लिए, अभी बच्चे के लिए आ रहे हैं हमारे पास, अभी भी योगा सीख रही। मैंने कहा उसको ध्यान दिया मैंने, तुझे वो बंद करना पड़ेगा जो मैंने तुझे 10 साल पहले बताया था। हाँ सर मुझे पता है, मैं जब छुट्टी लेती हूँ मेरी एग्जाम रहती है तब पीरियड आते हैं, लेकिन कैसे करें, इसीलिए तो आपके पास आया, अभी मैं बंद करूँगी। तो ये कुछ बातें हैं हमें बतानी होती है और उसके थ्रू काम करना होता है। तो ये सारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते समय एक एक हेतु बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हेतु ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आँखों के पेशेंट है हमारे यहाँ, मुख रोग, आँखों के विकार, नासा विकार, दंत विकार, कर्ण विकार, इनके अगर हेतु निकालेंगे, कॉमन कॉमन कुछ हेतु आते हैं। रात में सोते समय उल्टा सोना, ये आँखों का, नासा विकार का, मुख विकार का हेतु है। अवक्षय, अवक्षय हम कहते हैं, मुंह खोल के उल्टा सोना, ये बहुत ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों का हेतु है। तो बच्चों में वैसा ही रहता है, बहुत लोगों को उल्टे सोने की आदत रहती है। तो ये दूर करने के लिए हमें, जब तक पेशेंट को उसका महत्व नहीं समझेगा तब तक बता नहीं सकते। जैसे आमवात है, जैसे अभी छोटे बच्चों को, कितना छोटा बच्चा था वो आमवात आया था, कितना छोटा था वो बच्चा आमवात आया था, कितनी 4 महीना का होता ना, 6 महीना 6 महीने का बच्चे को आमवात आया था, वो थोड़ा हिला भी रहा है तो वो रो रहा था, कितना रो रहा था। अब इतने छोटे बच्चों को क्या बताए हैं, भाई तू सुंठी का लेप लगा वहाँ पे, तू गुरु अन्नपान ना ले, छोटे बच्चों को 6 महीने को क्या बताए, उसका कितना क्या क्या हुआ था, क्या होता? सिंपल है, जब बच्चा पैदा होता है ना, हमारे यहाँ पे क्या दिया है, इतना एक्यूरेट दिया है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो जात मात्र संस्कार आ जाता है उसमें, उसके बाद में आगे क्या आ जाता है कि पैदा होने के बाद नाल कर्तन होता है, उसके बाद क्या होता है, पानी तल मात्र में नवनीत दिया जाता है, लूनी दिया है, नवनीत दिया है। अब खाने का तो प्रश्न ही नहीं है, अब जब से हम पढ़ रहे सीख रहे तब से क्या देता है, माता का पहले आवर का दूध या पहले 2 दिन का दूध, कोलोस्ट्रम जिसे कहते हैं, वो बहुत प्रोटीन युक्त, विटामिन ए युक्त, ये युक्त, वो युक्त होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और हम जब पढ़ते हैं शास्त्र में कहते हैं कि अग्नि इम्पोर्टेंट है, बच्चों का अग्नि इम्पोर्टेंट है, अगर वो गुरु दूध हम देंगे तो बच्चों का क्या हो जाएगा, अग्निमांद हो जाएगा, और उसको अग्निमांद की वजह से व्याधि कौन सी होती है, कामला होती है। तो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नाम दिया है व्याधि को। क्या करना है, बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद उसको कोलोस्ट्रम दे देंगे या पाउडर का मिल्क दे देंगे, वो उसका अग्निमान दे, अग्नि वृद्धि के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। और देने के बाद उसको हम 3rd दिन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होना ही है,
वो ना हो इसलिए कोई विचार ही नहीं करता है। जॉन्डिस है जॉन्डिस है, कामला है कामला है, वो फिजियोलॉजिकल रहेगा या पैथोलॉजिकल रहेगा। बिलीरुबिन तो बढ़ रहा है, मीन्स यकृत की दृष्टि हो रही है, मीन्स अग्नि तो खराब हो रहा है। अग्नि के ऊपर काम कौन करे? हमारे यहाँ पे पहले ही दिया है कि नवनीत देना है, बराबर। उसके बाद में शहद और मध, पहले उसके पानी तल मात्रा में जितना वो चटाना है, और उसके बाद में दूध शुरू करना है। तब तक शालीपर्णी सिद्ध, उसको क्षीर देना है गाय का। उससे क्या होगा, वो लघु बन जाएगा। पाउडर का दूध रहता है, नैनपुरो वगैरह जो रहते हैं, वो दूध बहुत हेवी रहते हैं। जब बच्चों को दे देंगे तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बन ही जाता है। इसका मतलब क्या, हर एक बच्चे का पैदा होने के बाद अग्नि मंद ही हो रहा है। अब जो दोष लेके आए हैं माता पिता से, पहले से दोष लेके आए, माता ने गर्भ प्रसूति समय दोष उसको बन गए, गर्भ पेट में रहने के बाद वो कुछ सब कुछ खा रही है, ऐसे दोष लेके आया है। और वो दोष लेने के बाद पहले से उसका अग्निमंद बच्चे का है, और उसको डिलीवरी में भी उसका जो प्रॉपरली एट प्रोसीजर में नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए वो भी नहीं हुई है, उसको सीजर करके निकाला है, वो और अग्निमंद है उसका, उसको डिलीवरी के सेंसेशन भी नहीं है, ऐसे समय में वो पाउडर वाला दूध दिया जाएगा, ऊपर से एंटीबायोटिक दिए जाएंगे, ऐसे समय वो अग्नि की ही विकृति ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे काय चिकित्सा है, काय चिकित्सा मीन्स क्या, काय मीन्स अग्नि, अग्नि कौन से, पच अग्नि है, धात्वाग्नि, सारे अग्नि कहीं ना कहीं दुष्ट हुए। वो चार महीने बच्चों को आमवात वो डिजर्व ही नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है, और वो रो रहा है। क्यों रो रहा है वो, उसको खुद को पता नहीं मैं क्यों रो रहा, इतना वेदना था उसको। अब उसका क्या क्या बंद करे, कुछ खाता ही नहीं ना। तो ये इतने हुए हुए जो उसके ऊपर प्रयोग हुए हैं। एक ऐसा बच्चा आया था ऑनलाइन वालों के लिए कि वो उसको आमवात जैसा लक्षण थे, थोड़ी भी उंगली हिला नहीं सकता था, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग थी, जॉइंट पे स्वेलिंग थी, सारे टेस्ट हो चुके थे उसको, सारी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, उसको स्टीरॉयड भी चालू थे। ऐसे बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ कि ऐसे होते क्यों हैं। तो वो डिलीवरी होते समय, अगर आपके खुद का बच्चा भी है तो आपको समझ लेना चाहिए आगे जाके कि ये बातें जो है हमें परफेक्ट रखना होता है। अग्निमंद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि नवनीत है हमारे काश्यप में आया है, वाग्भट में आया है, चरक में आया है, बच्चा जब पैदा होगा वो नवनीत है, उसको पानीताल मात्रा में खाने को देना है, पानीताल मात्रा में। कितना ईजी है, बच्चों का छोटा हाथ रहता है, उसके मक्खन देना है। तो सारे बोलेंगे अरे मक्खन मक्खन बच्चों को रहता है क्या, ऐसा वैसा रहता है क्या, मक्खन से क्या होगा, ऐसा नहीं देते, वो एस्पेक्सिया बढ़ेगा, रिसक्सिटेशन करना पड़ेगा, मर जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। हालांकि ऐसे कितने मर जाते हैं बच्चे। तो ये क्यों बताया गया है, इसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ मिल नहीं रहा था। मक्खन का और जन्म के बाद तो बच्चों को पानी तल मात्रा में नवनीत देने का क्या प्रयोजन होगा, इसका विचार कर रहे थे। ऐसे विचार करते समय ही बैठते समय याद आया कि अरे क्यों दिक्कत क्यों होती है, क्या होती है, अगर हम देखेंगे और उसके हिसाब से मक्खन दिया होगा क्या ये सोचेंगे तो दिक्कत क्या होती है। एक तो बच्चे का बच्चा डिलेड क्राय हो जाता है, तो डिलेड क्राय में अग्निमंद ठीक है, अग्निमंदे हो गया, लोनी तो और अग्निमंदे करेगा, उसका उपयोग नहीं है, बराबर। और उसके बाद में मेकोनियम एस्पिरेशन होता है, मेकोनियम चले जाता है अंदर, और उसके वजह से एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो विचार किया था अरे मेकोनियम का कुछ संबंध है क्या, तो एक बॉल में मेकोनियम लिया और उसमें मैंने नवनीत डाला। तो मेकोनियम कितना चिकट रहता है, आपने देखा होगा ना बच्चे की पहली संडा जो काली काली रहती है वो निकलती नहीं, और वो नवनीत डालने के बाद ये एकदम से पतली हो गई। तो जब पूछा तो पुराने जो वैद्य बोल रहे थे हाँ ये बच्चों को खाने को देंगे तो मेकोनियम एस्पिरेट भी रहेगा तो बच्चों को तकलीफ नहीं होती और वो हम इजीली उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिसक्सिटेशन भी इजी हो जाता है। तो मैंने नांदेड़ के गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं हमारे पास आयुर्वेद कॉलेज को, उनको कहा कि जब भी बच्चा पैदा होता है आपको अगर मेकोनियम मिलेगा तो बच्चे को देना ही नहीं है नवनीत, लेकिन मेकोनियम की रिसर्च करो, मेकोनियम में आप नवनीत डाल के देखो, मेकोनियम ऐसा ही रखो एक कांच के इसमें वीडियो लगाओ और वो कम से कम एक घंटा देखो, एक घंटे में मेकोनियम की हालत क्या होती है, कुछ नहीं होता है। और नवनीत डालो, गाय का नवनीत बना के डालो, और वो सम मात्रा में नवनीत जाने के बाद वो मेकोनियम की हालत देखो क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है मेकोनियम पा, और वो उसका आप डेंसिटी चेक करो, पहले डेंसिटी कितनी थी अभी कितनी है, आपको समझ में आ जाएगा वो
अग्नि उसका पचा डालेगा वो मेकोनियम को, और वो मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से जो इन्फेक्टेड सो कॉल्ड एज एंटीबायोटिक देना पड़ता है एमिकासिन से सारे, उसमें हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। ये रिसर्च ऐसे होनी चाहिए हमारे आयुर्वेद कॉलेज में। वो रिसर्च क्या होते हैं, गुड़वेल ताप बुखार में काम करता है, अरे करता है इसलिए तो दिया है ना, गुड़वेल पत्रसोरस कंपेयर टू पैरासीटामॉल एनालिटिकल स्टडी चार्ट किया जाता है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए स्टडी, या ऐसा करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में हमें ये रुकने का काम में आ जाएगा। जैसे अभी वैक्सीनेशन इतने निकल रहे, पैप स्मियर अभी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन आई है, इतना उसको प्रमोट कर रहे, इतना प्रमोट कर रहे, अरे किसी को पता ही नहीं कोविशील्ड ने ज़्यादा लोग ख़राब किए हैं। जैसे कल बता रहे थे आने के बाद एवियन आज भी हो रहे हैं, वो कोविशील्ड कोविड के वैक्सीन, कोविशील्ड नहीं बोलूँगा नहीं तो कंपनी का नाम आ जाता है, कोविड के वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से सबको पता है, एवरी डॉक्टर नोज, हर एक डॉक्टर को पता है अभी कोविड नहीं है क्या है ना। तो ये कैंसर की वैक्सीन का कोई डाटा नहीं है, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं है। कंपनी ये पेडियाट्रिशियन, हमें पेडियाट्रिशियन ने बताया कि इसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया जिनके घर में डॉग या कैट है, उन्होंने जो डॉग बाइट के बाद वैक्सीन दी जाती है या कैट बाइट के बाद वैक्सीन दी जाती है रेबीज की, तो जिनके घर में है हर एक घर वालों को दे दो, हर घर वालों को वैक्सीन दो, ऐसा कहा गया। तो ये आगे बढ़ते ही जाने वाला है। और अगर हम एक साल में गलत चीज़ें बोलते जाएंगे तो लोगों को थोड़ा सा विरोध लगेगा, अगले 5 साल फिर वही गलत चीज़ बोलते जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि वो गलत ही सही है, और 10 साल के बाद क्या होता है, गलत चीज़ ट्रेंड बन जाती है। हर एक व्यक्ति को पता है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक डॉक्टर को अंदर से फीलिंग है या उसको पता है कि MMR वैक्सीन के बाद ऑटिज़म आता है, कोई कुछ बात नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति को पता है, या वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रीज़न बताओ ऑटिज़म का, मैक्सिमम वही कारण है। हर एक बच्चों की हिस्ट्री लेंगे तो समझ में आता है कि उसको वो वैक्सीन के बाद ही हो रहा है, स्पेशली MMR नाइन्थ, वो अवॉइड करेंगे। अगर वो ऐसा डाटा देखेंगे तो देखिएगा ऐसा एक भी ऑटिज़म का आपको बच्चा नहीं मिलेगा जिसने MMR नहीं लिया है, एक भी नहीं मिलेगा। हर एक, हम इतने बच्चों की हिस्ट्री ले रहे हैं तो इसमें रिसर्च होना चाहिए और वो वैक्सीन बंद होनी चाहिए, लेकिन उस पर काम होगा नहीं, कोई करेगा नहीं। हम करने जाएंगे तो हम तो पेडियाट्रिशियन नहीं, ऐसा बोल दिया जाएगा, किसी को तो करना होगा, आगे हो जाएगा देखेंगे हम। तो ये हेतु जो है, मैं आज इतना बात कर रहा हूँ वो हेतु के बारे में, हर एक पेशेंट का हेतु रहता है, बैठे बैठे हेतु क्रिएट हो जाता है। जैसे कि जमदग्नि सर का परसों का एक 4 दिन पहले का लेक्चर मैं आते समय सुन रहा था, तो वो फरसान के बारे में सर बात कर रहे थे, फरसान, फरसान स्निग्ध है या रुक्ष है, तला हुआ है ना, स्निग्ध होना चाहिए ना, फ्राइड है ना, वो खाने में तो अच्छा लगता, लेकिन वो इतना रुक्ष है सर बता रहे थे कि वो धातुओं को भी रुक्ष करता है। और खाते समय कितने लोगों की आदत रहती है वो डाल के, राइस में डाल के, रोटी के साथ डालने की, एक एक पैकेट ख़त्म करने की आदत रहती है, तो ये हेतु बन जाते हैं बार बार। स्ट्रेस फैक्टर लेना हेतु बन जाता है, अत्यंबुपान हेतु बन जाता है, तू नहीं कर रही है लेकिन अत्यंबुपान हेतु बन जाता है। सुबह सुबह उठ के एक एक लोटा पीने की आदत रहती है, वो हेतु है, क्लेद का बीमारी है, हेतु ही है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और हम चिकित्सा करते हैं, व्याधि प्रत्यानिक लक्षण प्रत्यानिक चिकित्सा तो देती ही है, लेकिन व्यक्ति का हेतु ढूंढने के पीछे हमें जाना चाहिए, दोष और हेतु, सिंपल है। और कुछ ज़्यादा पेशेंट देखने के बाद हमें समझ में ही आते हैं कि ये पेशेंट के ये हेतु हो सकते हैं। तो हम एक द्रव्य लेंगे, चल आया है हमारे पास द्रव्य,
रसोन रसोन घर में सब लोग खाते हैं, लहसुन कहते हैं जिसको, वो रसोन। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में क्या हो गया, समुद्र मंथन में एक इधर से राक्षस थे, इधर से देवता थे, बीच में पर्वत था, उसको नाग से बांधा था। ये आख्यायिका है ना, नाग भी नहीं था लेकिन समुद्र मंथन हुआ था। तो मरा हुआ नाग होगा, नहीं तो बड़ा होगा कुछ तो भी, वो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद एक 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 वनस्पति आ गई, एक एक रत्न आ गए, पारिजातक आ गया उसमें, लक्ष्मी आ गई, हीरे आ गए समुद्र से, हलाल विष भी आ गया। और वो विष का प्राशन भगवान शंकर ने किया और हमें सारे स्टोरीज पता है। उसमें भगवान धन्वंतरी आए, अमृत लेके आए, अमृत आए तो हमें तो रामानंद सागर जी ने ऐसा बताया, जैसे आया है सबने सांप छोड़ दिया, पर्वत उधर ही रखा और सब अमृत के पीछे भागे। वो दौड़ रहा है, उसके पीछे राक्षस दौड़ रहे हैं लेने के लिए। और वो उनमें थोड़ा सा समझौता हुआ और सबको अमृत देने की ये हो गई। तो देवों को अमृत दे रहा है और राक्षसों को दारू पिला रहा है, ये हमने पढ़ा है। हमें पता नहीं ऐसा हुआ था क्या, लेकिन वहाँ से अमृत तो आया। और अमृत जो है धोखे से वो एक राक्षस ने पी लिया, राक्षस ने अमृत पी लिया तो इसको पता चल गया ना। अब देखिएगा, वही धन्वंतरी जो है वही विष्णु बना और उसने वो राक्षस का सर काट दिया, लेकिन गले तक अमृत आ गया था और सर अलग हो गया और बॉडी अलग हो गई। इसको कहते राहु और केतु, वो ग्रह बन गए। अब वो काटते समय, गला काटते समय या वो पीते समय कैसे भी हो जाए, वो राक्षसों के स्पर्श से अमृत जो है पृथ्वी पे गिर गया और उस से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। ये वाग्भट के वाजीकरण अध्याय में लास्ट में बोला है। इसीलिए वो राक्षसों से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ब्राह्मण लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते, ऐसा हमारे वाग्भट संहिता में वर्णन आया है। लेकिन उसका जो गुण है वो सारे गुण अमृत समान है, ऐसा ये रसोन हम आज पढ़ेंगे। रसोन क्या दिया है, हिंदी भाषाएं हमें भाषा तो पता है, लशुनस्य स्वरसः, ये आया है उपयोग, लशुनस्य कल्क, लशुनाधिपति भी आया है। लशुनो भ्रूशस तीक्ष्ण उष्ण कटुपाकरसः सरः, तीक्ष्ण उष्ण है, कटुपाकी है, हृदय है, हृदय के लिए अच्छा है, केश है, केश के लिए अच्छा है। देखिएगा, जब भी केश द्रव्यों का वर्णन आता है, आप देखिएगा माका, निरगुडी, लहसुन, तिल, सरसप, ये सारे केश है, सारे उष्ण है, उष्ण द्रव्य केश है। शीत द्रव्य केश है क्या, ज्यादा ढूंढो मिलते नहीं, नारियल छोड़ा तो ज्यादा मिलते ही नहीं, मधुर रस में आया है बाल वृद्ध, वो जन्म से खा रहे इसलिए बाल अच्छे रहते, लेकिन जब बाल जा रहे हैं, जब बाल उसको वापस लाना है, ऐसे सारे द्रव्य को जब केश कहते, वो सारे द्रव्य उष्ण आ जाते हैं। तो हृदय केशो गुरु है, वृष है, स्निग्ध रोचन दीपना रुचि बढ़ाता है, कीलास कुष्ठ गुल्म अर्श मेह कृमि कफा नीलान सहिद्म बीनस श्वास कासान हंति अस्र पित्त कृत पंचमिश्च रस ही युक्त रसेन अम्लेन वर्जित। वो पंचरस वाला है लहसुन और अम्ल वर्ज्य है, अम्ल नहीं है उसमें। पंचरस वाला है रसोन और अम्ल वर्ज्य है, अम्ल नहीं है उसमें। तस्मात रसोन इति युक्त द्रव्यानाम गुण वेदित, उसको रसोन हम कहेंगे। कटु तिक्त कषाय है, और जब भी क्या कराया जाता है, पीपी के लिए मैं अच्छी दवाई बता रहा हूँ, ये लहसुन है, लहसुन के चार टुकड़े लेना है, लेना है, और रोज हर एक बार लेंगे तो पूरा कोलेस्ट्रॉल आपका छिल के निकल जाएगा, ऐसे हमें वीडियोस मिलते देखने के लिए। तो वात पित्त संप्राप्ति जो है, वाग्भट का कोई है किसी के पास तो वो लहसुन का श्लोक निकालिएगा, वात पित्त की जो भी संप्राप्ति है वो सारे इसमें लहसुन इस्तेमाल नहीं करना है। पित्त वाले संप्राप्ति में, कफोवात सारे संप्राप्ति में लहसुन ये रसायन जैसा काम करेगा। तो हमारे पास आजकल के बीपी के पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, ये जो है पित्त वाले ही रहते हैं।
तो पित्त वाले पित्त बढ़ाने वाला राशन खा रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं हो रहे। समाज में यही दुविधा है कि उनको गुण पता नहीं है। डायबिटीज के लिए नीम करेला खाओ, वो कपीवा जूस की तो कितनी ऐड आती है, हमने इतने सारे द्रव्य मिलाए उसमें, मैंने देखा भाई इतने ऐड कर रहा है तो सच में देखूंगा तो उष्ण भी है शीत भी है, सारे उन्होंने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इस्तेमाल किए। तो हमारे ग्रंथ में आया है कफज प्रमेय में कटु तिक्त द्रव्य देंगे तो पित्तज बन जाएगा, पित्तज में देंगे तो वातज बन जाएगा, वो ऐसा जूस करेगा वो। लेकिन उसकी एडवर्टाइज है कि तो हर जगह पे एडवर्टाइज चालू है। तो ये डायबिटीज़ के पीछे या कोलेस्ट्रॉल के पीछे जो जमाना है उनमें प्रकृति देखने की शुरुआत करनी चाहिए। कटु रस प्रधान प्राधान्यात रसोन से विपाक कटु हो, वीर्य उष्ण में आ जाता है तथा च स्निग्ध तीक्ष्ण गुरुच, स्निग्ध है तीक्ष्ण है, इसीलिए आम वात है कफ वातज आम वात है, रसोन इस्तेमाल करो। सिर्फ क्या है, हम जब भी द्रव्य इस्तेमाल करते हैं वो आहार द्रव्य है या वीर्य प्रधान द्रव्य है, ये हमें देखना है। मैं एक थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हम रोज़ गेहूँ खाते हैं बराबर, गेहूँ क्या कहा गया है, गेहूँ है वृक्ष है बल्य है और वो क्या है अस्थि संधान करे गेहूँ, रोज़ खा रहे हैं ना, तो वो आहार मात्रा में खा रहे हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति को अगर हमें किसी का हड्डी टूटी है और हमें ज़्यादा फास्ट काम करना है, वही गेहूँ का चूर्ण जो है गेहूँ का पीठ है जो आटा जो है वो आप औषधि मात्रा में देना है, आधा चम्मच आटा दूध के साथ सुबह शाम लेना है, उसको औषधि के हिसाब से उसका गुण ज़्यादा आता है। वही द्रव्य हम आहार मात्रा में ले रहे तो आहार रस प्रधान बन जाता है, लेकिन आपको वीर्य प्रधान अगर बनाना है तो उसकी मात्रा औषधि सेवन काल डाल के अनुपान डाल के आपको देनी पड़ेगी। तो उड़ीद दाल है आप हमें पता है, उड़ीद दाल वृक्ष है कफ पित्त वृद्धि करे, हम खाते हैं तो मल वृद्धि कर बन जाती है। लेकिन उड़ीद दाल अगर हम आधा चम्मच घी के साथ देंगे तो औषध बन जाती है और वो हमें काम में आ जाती है, बल्ले में काम में आ जाती है, तो वो ध्यान में रखना है। तो लहसुन तो रोज़ खाते हैं लोग, आप मेस में तो बहुत होगा, तो सारे आप ऐसे एकदम से वाजीकरण वाले वृक्ष वाले स्निग्ध वाले सुकुमार दिखने चाहिए, कपोवातज वाले लोग तो दिखते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कटुरसत्वात् कटुपाकित्वात् उष्णत्वात् रसोनः कफमन्ति पित्तं तु प्रकोपयति, पित्त प्रकोप करेगी, रसोनः पाचक पित्त से वर्धनेन अग्निम वर्धति, पाचक पित्त बढ़ाएगा और जिसको पहले से पित्त है उसका वृद्धि करेगा। साधकस्य वर्धनेन मेधाम, आलोचक से वर्धन नेत्र बलम वर्धयति, देखिएगा साधक पित्त बढ़ेगा तो मेधा, मेधा मीन्स बुद्धि का एक प्रकार है, तो साधक पित्त बढ़ाने के बाद मेधा बढ़ती है, ध्यान में रखना है। नेत्र बल बढ़ाना है का आपको आलोचक पित्त पे काम करना पड़ेगा, तो क्या दिया है रसोन से आँख अच्छी होती है लेकिन वो कफवातज होनी चाहिए। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसको लहसुन का अभ्यंतर देंगे या लहसुन का नस्य देंगे तो आँखों के लिए काम में आता है। त्वगत भ्राजक पित्त से अधिकेन वर्णम रंजक, त्वगत जो भ्राजक पित्त है वो अगर बढ़ गया तो वर्ण, रंजक बढ़ गया तो रक्तम च वर्धयति, पित्त वाढ़ल पित्त बढ़ गया तो उसके कर्म भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले कम होना चाहिए, नहीं तो वर्ण ही मंडलांतर एकदम पित्त प्रकृति वाली पिंपस वाला पूरी ने जर रसन खायला सुरुवात केली तरी एकदम ते टरबूज होईल त्याचं पिंपलचं, तो ध्यान में रखना है। कटुद्रव्य प्रायो वात कोपनम किंतु तस्य अपदाव, सारे कटुद्रव्य है वात प्रकोपिक रहते हैं लेकिन रसोन जो है वात शमक है, तस्य रसन अपवाद सवृष्य रसायन गुरुत्वात् स्निग्धत्वात् पंच वातांश शमयति, सारे वातों का रसोन जो है शमन करता है, इसलिए हृदय के विकार में हृदय हमें काम में आता है, प्राण व श्रुत पे काम करता है हृदय, नेत्र है उदानम अनुलोमयति तथा च कफम हत्वा श्रोतुरोधम विनाशयति, श्रोतुरोध कम करती है, उदान से संचरण सम्यक भवति, उदान का संचरण अच्छा करता है, उदान से रोधात मुखम कृष्णम नीलम श्यामम वा भवति, देखिएगा क्या दिया है, उदान हमारे चेहरा जो है काला नीला पड़ जाता है, सांवला पड़ जाता है चेहरा, तो उसका कारण है उदान से रोधात, उदान वायु के रोध की वजह से। क्या दिया है उरस्तानम उदारस्य नासा नाभि गलाश्चरित, ऐसा उसका आवरण है और उसका कर्म क्या है वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो चेहरा का वर्ण जो है वो उदान वायु का कर्म है
और उसका अवरोध हो गया तो काला पड़ जाएगा, और इसीलिए वो अवरोध दूर करने के लिए लहसुन आया है, रसुन आया है, तो इतना अच्छा है, तो रसुन खाओ फेयर एंड लवली ले लो, ऐसा है फेयर एंड लवली बन जाओ। स उदानम अनुलोम से वर्णम प्रसाद ये थी अरुचो कंठ रोग ये आ गया। लहसुन और हृदय हृदय में काम करता है लहसुन, वो कैसे काम करता है, कफोवृद्धिया पहले ही बता गया है, कफोवृद्धि की वजह से हृदय गौरवम जायते, हृदय पे गौरव हो जाएगा, वात वृद्धि की वजह से क्या होगा, हृदय शूल्यते तुद्धते च, खत्म बात। ये लाइन में 80% केसेस आ गए, क्या बताया गया है, कफ जो बढ़ेगा कहाँ पे बढ़ेगा, हृदय पे कफ बढ़ेगा, हृदय में क्या है, रस रक्त है हमारे और माउस है वहाँ पे, वहाँ पे क्या है और हमारा साधक पित्त है, कफ भी है वहाँ पे और वायु भी है, व्यान वायु भी है हमारा, तो इन सारे में से हृदय में अगर कफ बढ़ेगा तो वो गौरवम चोप जाए थे, जड़ बन जाएगा, हेवी बन जाएगा, और वायु बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शूल्यते तुद्यते च, वेदना हो जाएगी, तुद्यते बोले तो प्रेशर वाली वेदना हो जाएगी, तो यमा जैसी वेदना हो जाएगी, तो ऐसे कफ वात में ही रसोन का इस्तेमाल करना, पित्तज रहेगा तो नहीं, बर्पिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उल्टी हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो पित्तज हो गया, तुद्यते शूल्यते वातज हो गया, वो ध्यान में रखना है। तेषु रसोन प्रशस्त स रसगतम कफम वातम च हत्वा हृदयाय बलम यच्छति, क्या बताया गया, रसगत कफ वात हत्वा, रसगत कफ वात हत्वा मीन्स क्या है, देखिएगा पीसीओडी में आए कफ वात चाहिए, लहसुन आदिवटी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पीसीओडी में, रसगत कफ वात शमन करने वाली द्रव्य, पित्त आएगा खत्म बात, आएगा काम ही नहीं आएगा, तो हिस्ट्री लेते समय अपन विचारतो ना राग तो का 80% लोग पूछते हैं ना, गुस्सा आता है क्या, धूप में जाने के बाद सर दुखता है क्या, भूख लगी है खाना नहीं खाया तो गुस्सा बढ़ता है क्या, हाँ हाँ जो बोल रहे सारे पित्त वाले लक्षण आते, चिड़चिड़ करती है क्या, उल्टा बोलती है क्या, पित्ता शिवाय हिम्मत नहीं होती उल्टा उल्टा बोला हाँ पित्ता असल तरह डेरिंग है, नहीं तो मध्य लागते दोनों के बगैर उल्टी बात करने की डेरिंग ही होती नहीं है। बाकी कफ वाता जैसे मुरझलेले असते पूरी, बिचारा काहीच बोलत नाही, कफ तर मंदच असते, बोल बाबा मला काय करायचं काय नाही, ते वाचत राहते थोडा भी बोलणे की बा धडधड धडधड काय करू की कसं करीन काय करीन कोणाला सांगू की आणि कसं काय करू की धडधड धडधड, तो ये पित्त जो रहेंगे उसको रसन नाही आएगा काम में। कुष्ठ में भी आ जाएगा काम में, क्लेद में भी काम में आ जाएगा, वेदना में काम आ जाएगा, अपस्मार में काम में आ जाएगा, कफवाचज अपस्मार में, संन्यास कफावृत्ति व्यान है, संन्यास हो गया तो नाक में लहसुन के दो थेम डालो उसका संन्यास ऐसा वो निकल जाएगा एकदम से, तो चरक संहिता पढ़ोगे, जब हम चरक संहिता वाग्भट वाचन में चरक लेंगे तो वहाँ पे श्वास विकार में हमें श्वास की वेगावस्था के हमें दो तीन औषधि आई, जैसे कि पेशेंट आया है और पेशेंट स्टेटस अस्थमेटिक में है, वहाँ पर नस्या है गाजर प्याज और लहसुन, ये तीन नस्य कहेंगे, तो वात कफज है ज़्यादा से तो लहसुन का नस्य, कफ पित्त जो ज़्यादा है तो इसका प्याज का नस्य करेंगे तो स्टेटस अस्थमेटिक कंडीशन कम होती है। अगर आपको कहीं गांव में इधर उधर गए हो आप गाड़ी में हो और किसी को अस्थमेटिक कंडीशन है, जैसे हमारे एक नांदेड़ की स्टूडेंट हैदराबाद की, वो जा रही थी और जैसे मेरी केस थी इपिलिप्सी वाली, वैसे ही उसको इपिलिप्टिक सीजर्स शुरू हो गए ट्रेन में जाते समय, और उसने वहाँ पे विद्ध किया और वो पेशेंट को तब से अभी तक फिट्स नहीं है, जिसको हर 15 दिन को फिट्स आते थे सब सारी दवाई लेने के बाद, तो वो उसने मुझे फ़ोन करके बताया था, आप कभी भी जा रहे हो और कभी आपको स्टेटस एस्थमेटिक वाले पेशेंट मिले, छोटे बच्चे रहेंगे बड़े बच्चे रहेंगे और वो बड़े आदमी रहेंगे, तो उनके पास अगर उन्होंने कुछ नया नहीं है, ब्रोंकोडायलेटर ख़त्म हो गया है, कोई डर की वजह से आ रहा है, ऐसे समय में तीन औषधि ध्यान में रखना, गाजर प्याज और लहसुन, ये कहीं पे भी मिलते हैं, किसी के भी डब्बे में रहते, ट्रेन मध्ये ओरडायचं कोणाकडे लसण आहे का रे कांदा आहे का रे आहे म्हणलं की ते घ्यायचा पटपट कुटायचं आणि त्याचं नस्य करायचं, उसका नस्य करना है, उनका स्टेटस ॲस्थमॅटिक कंडिशन कम हो जाती है, वो दोनों में भी गंधक है,
और गंधक की वजह से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है और वो सांस लेने में ईजी जाता है। तो सीधा नाक में डालना है, 6, 7, 8, 10, 12, 15 बूंद डाल तो भी चलता है, लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशन टल जाती है, आदमी मरने से बच जाता है। अगर उसके पास है डेरीफाइलिन तो वो भी लेने को बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आयुर्वेदिक डेरीफाइलिन इज रसोन। और प्रमाति द्रव्य, प्रमाति मीन्स क्या है, उष्णत्वात् स्रोतोसुभ्य द्रव, स्रोतोस का द्रव निकालता है। अगर किसी को अस्थमा की इमरजेंसी ड्रग बनानी है तो रसोन वचा मरीच कॉम्बिनेशन, उसका कैप्सूल बनाना है, फोड़ना है, नाक में देना है, नहीं तो वही पंप में डाल के फुसकारा मारना। मेलेला आदमी उठे मेरे नाक हद गया एवडा इतना वो काम करता है। रसोन से बलवोज बढ़ेगा, व्यान प्रकोपात बल से ओजस से विभ्रंश होती। आप देखिएगा विभ्रंश आया है, क्या दिया है यहाँ पे, एक एक वाक्य इतने ये फड़के पुस्तक में अच्छा बताया है। क्या बताया उन्होंने, व्यानस्य प्रकोपात बलस्य ओजस्य विभ्रंशो भवति। विभ्रंश मीन्स क्या, ऐसे हमें बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं उनमें मन जगह पे नहीं रहता है, एकदम से जैसे कल रात वाला पेशेंट आया था, देखो जब हम उनको काउंसलिंग कर रहे थे इनफर्टिलिटी वाले, उनको रिपोर्ट करना ही था, कुछ भी करो, कल भी मानने को तैयार नहीं थे वो, बराबर ना। वो उस दिन ओज की अवस्था ऐसी थी, अस्थिर था, मन शांत नहीं था और वो पुरानी हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, या बच्चा मर जाएगा ऐसा लग रहा था, हम शांत थे वो नहीं शांत थे। ऐसे कुछ व्यक्ति हमें मिलते हैं, कहीं मन नहीं लगता है, कहीं पाल्पिटेशन होते रहता है, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कोई मुझे मारेगा, कोई कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कभी ना कभी हम महीने में एक ना एक दिन हमें लगता है, ऐसे उसको कहते हैं विभ्रंश, ओज का विभ्रंश। उसका कारण होता है धातु क्षय हुआ है, आपका क्षयज कुछ खाना पीना हुआ है, एनवायरनमेंट भी क्षय हो गया है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राहु केतु का काल भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव आ रहा है। ऐसे समय में मन जो है वो विभ्रम अवस्था में जाता है, क्योंकि ओज विभ्रम अवस्था में जाता है और वो व्यान वायु के प्रकोप से होता है। तो व्यान वायु के, तो जब भी कोई वायु की विकृति आती है ना, तो चिकित्सा सूत्र इतना सही आया है, कोई भी अवृत्त बात हो जाए, व्यान के ऊपर कफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपानम च अनुलोमय, अपान का अनुलोमन करना है, प्राणम ऊर्ध्वम हो जाए, प्राण का ऊर्ध्वम लाना है, जो वायु की जैसी गति है वो गति वैसे प्रॉपर करना, ये चिकित्सा होगी, इतना सिंपल रहेगा। तो ये जो लहसुन है व्यान का जो प्रकोप है कम करता है, इसीलिए हृदय, ना कि वो कार्डियक ब्लॉकेज निकालेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, वो क्या करेगा, व्यान का प्रकोप जो है बढ़ा हुआ कम करेगा। डर जो है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू है ना, डर के आगे जीत है लसुन है तो रसुन देंगे तो वो व्यान का जो प्रकोप है कम करेगा, और वो जो भय है क्या कहेंगे, ओज जो है विभ्रंश हुआ है, डर है, पाल्पिटेशन है, घबराहट है वायु की, वो रसोन कम करेगा। तो रसोन देना है, रसोन क्षीर पाक से देना है, वो भी व्यानोदान काल में देना है, तो क्या होगा, वो हमारे लक्षण 10 मिनट में चले जाते। एक पेशेंट थी, उसका नाम भी पता है मुझे, नाम बाद में बताऊंगा, मैं गोपटे सर के पास था, तो उसको वो जो हमारे ऑटिस्टिक के बच्चे चिल्लाते हैं ना, वैसे वो चिल्ला के रो रही थी, डर रही थी, बहुत घबरा रही थी, जैसे किसी ने भूत देख लिया या सांप सूंघ लिया है ना, वैसे वो रो रही थी। और गुरुवार का दिन था, गोपटे सर के यहाँ पे वो आई थी, और वो सर ने उसको साइकोसोमैटिक विद्याकर्म किए थे, उरु मध्य भी उन्माद वाला विद्याकर्म किया था और उसको बिठाया था, सर ने ऐसे आराम से देखा उसके पास, क्या हो गया तुझे, इतना क्यों डर रही है, मैं औषध देता हूँ तो ठीक हो जाएगी, थी शांत डाली, थोड़ी शांत हो गई वो, विद्या भी सर ने किया था, द्राक्ष गंध दिया सर ने, अभ्यंग दिया और बोला कहीं भी जाके तू एक तेल का एनिमा ले ले। मंडे को जब आके देखा तो पेशेंट इतनी नॉर्मल थी कि वो डर भय सब गया था, वो उसके जो एंटीसाइटिक साइकोटिक ड्रग थे वो भी उसने दूर किए थे, इच्छा नहीं थी। जैसे देखो परसों पेशेंट आया था हमारे पास, पेशेंट कौन सा था, वो सीकेडी का पेशेंट था, जो कल आया था ना, मैंने कहा था कि 15 क्रिएटिन है तेरा,
15 क्रिएटिन वाले पेशेंट को तो एलोपैथी तो को काट के तो वो चालू ही कर देते, डायलिसिस चालू थे वो, जब 15 क्रिएटिन था तो हमारे पास आया था, हमने उसको वायु का क्षय समझ के, मैंने बताया था कि ये क्षय का पेशेंट है, क्षय की चिकित्सा करनी है, हमने क्षय की चिकित्सा की, जैसे पहली मात्रा बस्ती गई तो उसका श्वास ही बंद हो गया बराबर। और मैंने क्या कहा था, अगर ये उससे 2 भी क्रिएटिन बढ़ गया, 15 से 17 भी हो गया, 19 भी हो गया, तो आपको डायलिसिस के लिए जाना है। मेडिकल लीगली हमने करेक्ट बोल दिया, क्योंकि मरना नहीं चाहिए पेशेंट, हमने उसको 7 दिन काम किया। अभी वो पहले से इतना बेटर है, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, कल बोल रहा था ना मैं जाऊँगा ही नहीं। तो हमने किडनी ठीक की क्या? बिल्कुल नहीं की थी किडनी ठीक, हमने वायु का, जो वायु का प्रकोप की वजह से क्षय हुआ है वो ठीक किया। अभी देखिएगा क्या दिया है, आमाशय से स्नेहो वृक्को पुष्यति, आमाशय में जो स्नेह है वो किडनी उसका पोषण करती है। मीन्स क्या है, रक्त मेद प्रसादात वृक्को, रक्त और मेद के प्रसादन से वृक्क बना है। वृक्क मीन्स किडनी, ये मैं बोलने वाला नहीं, रक्त और मेद के प्रसादन के भाग से किडनी वृक्क बना है, रक्त मेद प्रसादात वृक्को, और वही वृक्को आमाशय से स्नेहम पोषयति, आमाशय का स्नेह का पोषण करने वाला है। अब पोषण कहाँ से आएगा, मेद धातु से आएगा। अब मेद का पचन, हम खाना खाएंगे, खाना खाने में वो मेद का, मेद धातु तैयार होगा, मेद धातु के प्रसादन भाग से वृक्क बन जाएंगे, वही वृक्क आमाशय में जो स्निग्धता है, मीन्स पित्त कफ है, उसकी जो स्निग्धता है वो वृक्क का मेद करेगा, वृक्क करेगा। अब पेशेंट का क्या हो गया है, किडनी खराब हो चुकी है, उसका स्नेहन चले गया है, वृक्ष बन रहा है, सांस फूल रही है, चलने के बाद दम लग रहा है, घबराहट हो रही है, जी घबरा रहा है, स्नेह बस्ती गया उसको, तो उसको यापन मिल गया, बल मिल गया, ठीक हो गया। किडनी ठीक हुई क्या? ना, किडनी नहीं ठीक हुई, उसकी कंडीशन बेटर होगी। नहीं तो यही कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ से डायलिसिस किया जाता है। हमने फिर भी उसको 10 दिन का फिर से एक चांस दिया, भाई तेरा क्रिएटिन नहीं बढ़ा तो हम खुश है, ऐसे ही मेंटेन करेंगे, क्रिएटिन बढ़ा तो तुझे डायलिसिस करना है। 15 क्रिएटिन है ना, मेरे पास 24 वाले क्रिएटिन का पेशेंट, मैंने 4 साल उसको मेंटेन किया था, ऐसे ही 4 साल, एक भी उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं। 4 साल बाद वो इतना खुश हो गया, वो लोनावाड़ा में, लोना नहीं सॉरी रत्नागिरी में गया था, और वहाँ पे 2-4 मछली 2-4 बोकड़ खाए थे, और वो सबसे उसको फिर डायलिसिस शुरू हो गया था। कोंबड़े यानी बोकड़ खा लेते थे, हाँ तू आए क्या है, मासे खा लेते थे ना, तो ना डायलिसिस शुरू हो गया। तो ये हमें कंटिन्यूस वो मेंटेन करना, फोन आला होता तो मुझे आवाज़ बहुत व्यवस्थित आए क्या त्याच्यात। तो ऐसा ये लसूण है, मध्यम मांसम तथा अम्लम च हितम लसूण सेवितम, रसोन पित्त कप रक्तम च प्रकोपयति, रक्त पित्त प्रकोप भयात लसूण सेविन व्यायाम आत्तपम वन्नीम क्रोधम च वर्जयत। तो लसूण सेवन करने वाले व्यक्ति में व्यायाम वर्जन करना है, क्योंकि व्यायाम बढ़ेगा, आत्तप धूप में जाना नहीं है वो वर्जन करना है, धूप में जा रहे हो लहसुन खा रहे हो नहीं चलेगा, व्यायाम कर रहे हो लहसुन खा रहे हो नहीं चलेगा। वन्निम क्रोधम च वर्जन, क्रोध वर्जन करना है, गुस्सा कर रहे हो लहसुन नहीं लेगा, रसायन का कर्म नहीं आएगा। तो हाँ चलो, तो दशमूल स्वयं गुप्ता शंख पुष्प फिर से बताता हूँ, वाग्भट चिकित्सा सार काश चिकित्सा चालू है, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 125 दशमूल हरित की आई है, सिद्ध शीते माक्षिकात लेह आया है, दशमूल हरित की अभय नित्य मत खादित रसायनात तद वली पलित, बाल अच्छे हो जाएंगे, सफ़ेद बाल ठीक हो जाएंगे, हन्यात वर्ण आयु बलवर्धनम पंचकाम क्षेम श्वासम हिदमम विषम ज्वरन मेह गुलमघनी अर्षो द्रोगा अरुचि पीनसायन अगस्ति विहितम धन्यमिदम श्रेष्ठम रसायनम श्रेष्ठ। और काश की अवस्था में लेना है, और कास में आए हुए रसायन वो सारे स्वगंध आपा मार्ग स्वगुप्ता आत्मगुप्ता अति विषामृत बाल बीव तीव्रत दंती मूल पत्रम चित्रकात पय श्यामकुटजम स्त्री पुष्पम सारम बीजकात वोटस्थ वीर भल्लातक वितक शंख शतावरी पुदीक करंज मैक चंद्रलेखा सहसा सहचरम सौभाजनम क निंब त्वक इक्षुरम च पलांशकम पथ्या सहस्रम सशतम यवानाम चाड़क द्वयम पचेत दष्ट गुणे त्वे यव स्वेदे अवतारे पुते क्षिपेत सपत्ते तत्र जीर्ण गुड़ा तुलाम
तैलाज्य धातिरस तत प्रस्थम प्रस्थम तत पुनः अधिश्रयण मृद अग्नो दर्भी लेपे अवतार्य शीते प्रस्थद्वयं शब्दात् पिपलिकुडवं क्षिपे चूर्णीकृतं त्रिजाताश्च त्रिपलं निखेत नेतः धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादेच पूर्ववत् रसायनं वशिष्ठो उक्तं पूर्वगुणादिकं स्वस्थानां निपरिहारं सर्वर्तुं च शश्यते। सर्व ऋतु में खाने वाला रसायन बताया गया है, इतना दशमूल रसायन है। पालिकं सेदमं शुण्ठी द्वे च सौवर चलात् फले कुडवं शानी वृक्षामलम दाढ़िमाम पत्र मर्जकम एकेका मरीच अज्जा अज्जो धान्याद्वये चतुर्थके शर्करया पलानी अथ दश द्वे च प्रदापयत कृत्वा चूर्णमतो मात्रम अन्नपाय दापयत तच्च तद्दीपनम बल्यम पार्श्वार्थे श्वासकासजित। जो है सैंधव सुंठ सौवर चल देना है, रुचिकर अग्नि दीपक क्षतिवर्धक है तो बहुत अच्छा है। एकेकाम चोड़शिकाम धान्याद्वे चाजा दीपिका ताभ्याम दाढ़िम वृक्षामले द्विद्वि सौवर्चनात् फलं शुण्ठ्याकर्ष कपितस्य मध्यात् पच्च फलानि च तच्चूर्णं षोडश फलैः शर्करया विमिश्रयेत् खाण्डवोऽयं प्रदेय स्यात् अन्नपानेषु पूर्ववत्। अब देखिएगा, धने जीरे ओवा दाळिंब अमसूल सौवर्चल शुण्ठ कपित्त इनका चूर्ण और शक्कर एकत्र करके चटनी बनानी है। चटनी चटनी कसला भारी चटनी ऐसा खाना है। विधिश्च यक्ष्म विहितो यथावस्तम क्षतिः। क्षय रोग में जो राजयक्ष्म में बताया है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। निवृत्त क्षत दोषेतु कफे वृद्धे वृह शिर दल्यते काशिनो यस्य स धूमा नाम पिबेदिन। अब क्षता का दोष कम हो गया है, कफ बढ़ गया है और उर और शिर में तकलीफ हो रही है तो क्या करना है, धूमपान करना है। अब देखिए क्षत है, क्षत काश है, राजयक्ष्म है, ऐसे समय में हम कफवर्धन वाली चिकित्सा ही करनी है। और कफवर्धन वाली चिकित्सा करने के बाद सर भी दुख रहा है तो धूमपान लेना है। मेधा महामेधा द्विमेधा अतिबला यष्टि कलकई मोक्षो में स्वभाविते वर्ती कृत्वा पिबे धूमम जीवनीय घृतम। ये धूम करना है। मनशिला पलाश अजगंधा त्वक्षीरी नागरही तद्देवानुपानम तो शर्कर इक्षु गुड़ोदकम। इनका पान पीना है, गुड़ पानी पीना है। पिष्ट्वा मलशिला तुल्य मार्द्रया वट संज्ञा ससर्षपिष्कम पिबे धूमम तित्तीर प्रतिभोजनम। तित्तीर तित्तीर बहुत जगह पे आया है, नॉनवेज वाले तित्तीर खाओ। क्षयजे बृहनम पूर्वम कुर्यात अग्निश्च वर्धनम बहुदोषाय सस्नेहम मृदु दद्यात विरेचनम। क्षय काश में प्रथम बृहम दीपन करना है, बाद में विरेचन देना है। शम्याकने तीव्रतया मृद्विका रसयुक्तया तिलवकस्य कषायने विदारीश्वरेण च सर्पी सिद्धम पिबेद्युक्त्या क्षीणदोहे विशोधनम। क्षीण व्यक्ति का शोधन करने के लिए तेने औषध घेतलं का विरेचन वाला पोरण सांगितलं त्याला काल, आज घ्यायला सांगितलं। पित्ते कफे धातुशुच क्षीणशु क्षय कासवान घृतम कर्कट क्षीरी द्विबला साधितम पिबेद। पित्त कफ रसादि धातु क्षीण होने के बाद मनुष्य ने दूध भी पीना है। विदारिद भी कदम्बही वा ताल तालसस्य साधितम घृतम पयश मूत्र से विवरणे कृच्छा निर्मगे। भुई कोळा का कांदा कळंबाची अथवा ताड़ की फले जो है उसका सिद्ध किया हुआ घृत लेना है। शून्य संवेदने मेढ्रे पयोश श्रोणी वंशने घृत मंडे ने लघुना अनुवास मिश्र कने वा अनुवासन बस्ती देना है। जांगले ही प्रतिभुक्त से वर्तकाद्या बिलेशया क्रमशः प्रसद प्रयोज्या पिशिताशिन औष्ण्यात प्रथमाभिवाश्च स्रोतभ्याच अवयंती ये कफम शुद्ध से तही पुष्टि कुर्यात सम्यक वहन रस। जंगल मास बल बढ़ाने के लिए मांस रस का दिया है। चविक त्रिफला भांगी दशमूल ही सचित्र कही कुलत पिपली मूल पाटा कोल यव जल ही श्रुति ने नागर दुस्पर्शा पिपली छठी पोष कर रही पिष्ट ही कर्कट शृंगाच समय ही सर्पी विपाचयत सिद्धे अस्मित शूर्णित क्षारो द्वौ पंचलवनानी च दत्वा युक्त्या विभिन्न मात्रा क्षय कास निपड़ित। क्षय कास में बाद में पत्य अपत्य क्या करना है वो बताया गया है। कासमर्धा अभया मुस्ता पाठा कटफल नागरही विपल्या कटुरोहिण्य काश्मर स्वर से नच अक्ष माता ही गुतय प्रस्तम क्षीर द्राक्षा रसाड़क ही पचेत शोषित ज्वर प्लीहा सर्वकार सम शिवम। बाद में जैसे जीर्ण ज्वर के बाद बताए कास में बाद में वो बल वापस लाने के लिए बताया गया है। आलू वृक्ष व्याघ्री गुड़ुची नाम पत्र मूल फलांकरात रस कलक घृतम पकुम हंति कास ज्वर अरुचि ही। कास में ज्वर अरुचि जब आता है उसमें वासा घृत आया है। द्विगुणे दाढ़िमर से सिद्धम वा विवश संयुतम पिबेद उपरी भुक्त से यवक्षार युतम नर पिपली गुड़ सिद्धम वा क्षाग श्रीयुतम घृतम। उसके बाद में दूध पीना है, क्या क्या करना है वो बताया है।
एतानि अग्निविवृद्धं सर्पिषि क्षयकासिनां स्युः दोषबद्ध कंठ उर स्रोतसि च विशुद्धये। ये अलग अलग घृत पीने के बाद, अग्नि बढ़ने के बाद शरीर के स्रोतसों की शुद्धि हो जाएगी, काश पूरी तरह से निकल जाएगा। इसलिए काश के ज्वर के लास्ट अवस्था में घृत भी घृत ही आया है। प्रस्तोन्मिते यवक्वाते विंशति विजयापचे छिन्ना मृदिन्वा ताह तस्मिन् पुराण षट्फलं गुडात् पिप्पलादिफलं कर्ष मनोव्या रसांजना दत्वा अर्धक्षम पंचेत भूय स लेह श्वासकासन। लेह बताया गया है, यव लेह श्वाविद्याम सूचय दग्धा सकृत शोध शर्करा श्वासकासरा बहिर्पादो वा मधुसर्पिषा एरंड पत्रकारं वा।